हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डिफाइन मीड इंजीनियरिंग। आज का वीडियो भाई लोग बड़ा कमाल का होने वाला है भाई। 4G सब जगह चल रहा है, तो चलो उस 4G को समझ लेते हैं, उस 4G के आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पिक्चर है आपके सामने आर्किटेक्चर का, वो समझाने वाला बंदा भी आपके सामने खड़ा है। तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं विद द 4G आर्किटेक्चर। तो बेसिकली ये 4G आर्किटेक्चर को आप एज अ LTE नेटवर्क आर्किटेक्चर भी देख सकते हो। दैट इज LTE मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का नॉट नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है उसके रूप में भी आप इस 4G आर्किटेक्चर को देख सकते हो। एंड LTE आप सबको पता है इट्स अ 4G टेक्नोलॉजी, पता है 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो इस 4G आपका जो आर्किटेक्चर है बेसिकली इसे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तीन पार्ट्स कौन से, आपका जो पहला फ्रंट एंड, एक मिडिल पार्ट और आपका एक कोर पार्ट, बराबर। अब फ्रंट एंड में आपका कौन सा आता है, आप खुद आते हो, आपका भैया यूजर इक्विपमेंट आता है, दैट इज अ UE, यूजर इक्विपमेंट कम्स इन द फ्रंट एंड पार्ट। आपका जो मिडिल पार्ट है वो है आपका इवॉल्व यूट्रान, वो है आपका इवॉल्व यूट्रान। अभी अगर आपने थर्ड जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी UMTS जिसपे मैंने वीडियो बनाया था, UMTS का आर्किटेक्चर, उसमें भी एक यूट्रान था, लेकिन उसमें यूट्रान में हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा एनहांसमेंट किया, थोड़ी फंक्शनलिटीज को एडप्ट किया, थोड़ा सा उसे 4G के लिए कॉम्पेटेबल बनाया, तो जाके वो यूट्रान से इवॉल्व्ड यूट्रान बना। ठीक है, अभी आते हैं कोर पार्ट के ऊपर। कोर पार्ट को क्या बोलते हैं, ईपीसी। व्हाट डू यू मीन बाय ईपीसी, दैट इज इवॉल्व पैकेट कोर। अगर आप उसको यूएमटीएस में देखोगे, यूएमटीएस जो कि 3G टेक्नोलॉजी है, उसमें आप ईपीसी को बोलते थे कोर नेटवर्क, उसमें क्या बोलते थे कोर नेटवर्क, लेकिन उसमें भी उस कोर नेटवर्क में हमने कुछ सारे कंपोनेंट्स को हटाया, कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पे एडअप किया, जो कंपोनेंट्स पहले से थे उसमें थोड़ी फंक्शनलिटीज को एडअप किया, एनहांस किया, और तब जाके आपका कंप्यूटर ने आपका जो कोर नेटवर्क था इन द 3G टेक्नोलॉजी वो अभी 4G में आपका बन गया इवॉल्व पैकेट कोर। तो पहले से कोर नेटवर्क बोलते थे, लेकिन अभी ये 4G में इवॉल्व होकर इवॉल्व पैकेट कोर बन गया। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया आपके टोटल आर्किटेक्चर की, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट तो देख लेते हैं, फ्रंट एंड आपका यूजर इक्विपमेंट, मतलब आपका जो स्मार्टफोन है दैट इज नथिंग बट योर ME, दैट इज मोबाइल इक्विपमेंट। इसके अंदर आप अपना यूजर सिम डाल दो तो ये आपका क्या बन गया, यूजर इक्विपमेंट, बराबर। और फिर अभी जहां पे मैं आपको बता रहा था कि यूट्रान जो था हमारा 3G टेक्नोलॉजी में भी था और वो अभी इवॉल्व हुआ है, अभी वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है वो हम लोग उसके कंपोनेंट से जानते हैं, दैट इज नथिंग बट द E-Node B। अब E-Node B का सफर शुरू होता है दोस्तों 2G से, बराबर, फिर 3G पे एंड फिर 4G पे कैसे चेंज होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इट इज जस्ट लाइक द BTS टावर, मतलब आपका जो 2G में आपका BTS टावर था, GSM आर्किटेक्चर अगर देखोगे उसमें एक BTS टावर था, बराबर, जो कि आपके मोबाइल स्टेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता था। तो उसमें भी हमने कुछ फंक्शनलिटीज एड अप किया, उसको कॉम्पेटिबल किया कि वो 3G के साथ चल पाए, तो आपका BTS बन गया नोड बी इन 3G टेक्नोलॉजी। आपका BTS क्या बन गया, नोड बी बन गया इन 3G टेक्नोलॉजी UMTS में, वो आपका नोड बी बन गया। अब इस नोड बी को हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, इसको 4G के साथ कॉम्पेटिबल बनाने की कोशिश की, और अभी आपका ये जो नोड बी है ये 4G में बन गया E-Node B, that is a evolved node B। तो सफर कैसे शुरू हुआ कि 2G में कहते थे भैया BTS tower, 3G में कहा node B, 4G में कहा evolved node B। तो ऐसा evolvement हुआ है आपकी यूट्रान में, this is what is reflected in the components of the e-यूट्रान। ठीक है, इस तरीके से इसका evolvement हुआ है। तो दो components तो आपको पता चल गए, तो चलो उसके बीच का इंटरफेस फाइंड आउट करते हैं। तो e-node B जो कि कंपोनेंट है e-यूट्रान का, और आपका जो UE है यूजर इक्विपमेंट, उसके बीच में जो इंटरफेस है, उसके बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, इट इज नथिंग बट अ UU या फिर एयर इंटरफेस। बड़ा सिंपल सा है, UU या फिर एयर इंटरफेस एग्जिस्ट इन बिटवीन दिस इवॉल्व नोड बी एंड द यूजर इक्विपमेंट। ठीक है, अब एक और चीज जो कि आपको बताती है किस तरीके से आपका ई यूट्रान इवॉल्व हुआ है, फिर से चलते हैं 2G के ऊपर, फिर 3G और फिर 4G पे आके देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 2G में GSM आर्किटेक्चर में एक BSC नाम की चीज थी, बेस स्टेशन कंट्रोलर, एक बेस स्टेशन कंट्रोलर था जो कि आपके सारे BTS टावर्स को, सारे के सारे BTS टावर्स को कंट्रोल करता था। सो देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग कंपोनेंट इन 2G GSM। अब आते 3G UMTS आर्किटेक्चर में, 3G UMTS आर्किटेक्चर में अब वो BSC से कन्वर्ट हो गया आपका RNC में, RNC में कन्वर्ट हो गया, दैट इज रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। अब ये जो रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर था ये आपके सारे नोड बी को कन्वर्ट करता था, सारे नोड बी को कन्वर्ट करता था, बराबर। लेकिन अगर आप 4G में देखोगे तो 2G में क्या था, बेस स्टेशन कंट्रोलर, फिर उसके बाद आपका 3G में क्या था, RNC रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, लेकिन 4G में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा दिख रहा है कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग यूनिट है, एक सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग कंपोनेंट है, नो, यहाँ पे ना BSC है ना RNC है, यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग यूनिट नहीं है, इसीलिए हम लोगों को
इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है आपके इवॉल्व नोड भी, उसके बीच में एक इंटरफेस बिठाने की जरूरत है ताकि वो कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट कर पाए और काम कर पाए और जो भी उनको एग्जीक्यूशन मतलब जो भी काम दिया जाए उसको परफेक्टली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए, इसलिए उनके बीच में एक आपने क्या दे दिया, इंटरफेस दे दिया। और एवरी ई नोड बी विद द अदर ई नोड बी इन ई यूट्रान इज कनेक्टेड बाय इंटरफेस X2। तो एवरी ये दो नोड जो होंगे इनके बीच में आपका X2 इंटरफेस एग्जिस्ट करता है। तो ये तो पार्ट हो गया किस तरीके से आपका ई यूट्रान इवॉल्व हुआ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब समझते हैं इस पूरे के पूरे कोर पार्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बड़ा इजी भी है। तो इवॉल्व पैकेट कोर एक तरीके से आपका दो प्लेन में डिवाइडेड है, दो प्लेन में, ऊपर वाला प्लेन जो है वो है कंट्रोल प्लेन, नीचे वाला प्लेन जो है यूजर प्लेन। अब इन दोनों को ऐसे फर्क क्यों किया, ऐसा भेदभाव क्यों किया, ऐसे डिवाइड क्यों किया, ऐसे पार्टीशन क्यों किया, बड़ा सिंपल सा रीजन है। कंट्रोल प्लेन के कंट्रोल प्लेन क्या करता है, कंट्रोल प्लेन का काम क्या है कि जो भी कंट्रोल इंफॉर्मेशन है उससे डील करना, उसको हैंडल करना, उसको मॉनिटर करना, उसको मैनेज करने का काम कंट्रोल प्लेन का है, बराबर। और यूजर प्लेन का काम क्या है कि जो एक्चुअल डेटा है उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको मूव करना, ये सारी जो बातें हैं डेटा से रिलेटेड वो आपका यूजर प्लेन हैंडल करता है, बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो दो पार्ट्स के बारे में जान लिया, लेकिन इन प्लेन्स में और भी एंटिटीज मौजूद है जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल प्लेन में दो एंटिटीज है, MMEN HSSS। MME मतलब क्या, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, एंड HSS मतलब क्या, होम सब्सक्राइबर सिस्टम। इनका काम क्या है, बड़ा सिंपल है, MMEQ पर आता है, दैट इज मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि वो पूरा करता है। पहली बात कि जो भी यूजर, जो भी सब्सक्राइबर जो आपके नेटवर्क से 4G नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसकी मोबिलिटी से रिलेटेड मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब आपका अगर यूजर एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, मोबिलिटी, उसकी जो मोबिलिटी है उसको मॉनिटर करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको मैनेज करना, ये उसका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है MME की, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भैया वो जो आपका ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन, आपके जो यूजर्स हैं, यूजर इक्विपमेंट जो है वो आपके 4G नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनका ऑथेंटिकेशन करना, मतलब ये पर्टिकुलर यूजर अगर किसी एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ये भाई पहले उसको ऑथेंटिकेट करता है कि भैया क्या वो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए ये मेरा जो यूजर है ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ये काम कौन करता है, MME करता है, बराबर। और दूसरा पार्ट जो है भैया HSS मतलब होम सब्सक्राइबर सिस्टम, इट इज अ परमानेंट डेटाबेस, इट्स अ परमानेंट रजिस्टर, जहां पे आपके जितने भी यूजर्स हैं नेटवर्क में उनका सारे का सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड होता है, ओके। तो ये तो पार्ट समझ में आ गया। अभी ये दोनों जो कंपोनेंट्स है ये भी एक दूसरे से एक इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है जिसका नाम है S6A। ये इंटरफेस दोनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं भैया इसके ऊपर कि ये जो दो कंपोनेंट्स है, ये जो आपके यूजर पैनल की जो एंटिटीज है वो समझते हैं। दीज आर नथिंग बट द टू गेटवेज, ये जो है ये आपके दो गेटवे है। ये वाला कौन सा है, एस गेटवे, ये आपका सर्विंग गेटवे है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विंग गेटवे। इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन, इट इज सेम एज दैट ऑफ द SGSN। SGSN जो आपने UMTS आर्किटेक्चर में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो UMTS आर्किटेक्चर का वीडियो देखो फिर यहाँ पे आओ, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो SGSN ये जो कंपोनेंट था, ये जो सपोर्ट नोड था UMTS में, उसका जो फंक्शन था सेम फंक्शन आपका S गेटवे भी परफॉर्म करता है, सर्विंग गेटवे भी परफॉर्म करता है। और एक एंटिटी है आपकी यूजर प्लेन की, वो है पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे, पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे। ये क्या करता है, इट्स सिंपली अ गेटवे टू द इंटरनेट। ये एक तरीके से खिड़की है, एक तरीके से एक रूट है, एक गेटवे है, एक दरवाजा है टू द इंटरनेट, सिंपली ये उसका काम है। अभी इन दोनों एंटिटीज के बीच में भी भैया एक आपका इंटरफेस जो है एग्जिस्ट करता है, एक कनेक्शन जो है एग्जिस्ट करता है, दैट इज नथिंग बट S5, बराबर। ऊपर था S6A, यहां पे है S5। नाउ देयर मे बी सम कंडीशंस अराइज कि जहां पे आपका MME कांटेक्ट करना चाहेगा आपके सर्विंग गेटवे को, तो उस वक्त को वो कौन सा इंटरफेस यूज करेगा, इट विल यूज द इंटरफेस S11। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बार बताना भूल गया कि ये वाला जो आपका ई यूट्रान है और जो आपका ईपीसी है ये S1 इंटरफेस से कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये जो आपको बीच की पूरी लाइन दिख रही है, इट इज नथिंग बट द S1 इंटरफेस विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग द ई यूट्रान एंड द ईपीसी, बराबर। अभी इस S1 में कुछ डिफरेंट इंटरफेसेस को भी हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, वो दो इंटरफेसेस है, मतलब कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आपका यूजर इक्विपमेंट से आएगी वो ई नोड बी में इवैल्यूएट होगी, तो यहाँ पे वो डिसाइड की जाएगी कि क्या उसे कंट्रोल प्लेन में भेजना चाहिए या फिर भैया यूजर प्लेन में भेजना चाहिए। अगर कंट्रोल प्लेन में भेजना है तो आप पर्टिकुलरली कंट्रोल प्लेन की जो एंटिटी है इसे क्या कहते हैं, MME को हम लोग कंट्रोल प्लेन एंटिटी भी कहते हैं, उस एंटिटी को हम लोग भेजते हैं बाय यूजिंग दिस इंटरफेस। तो देयर इज अ इंटरफेस S1 MME।
तो मतलब ये जो पर्टिकुलर S1 है इसका एक इंटरफेस S1 MME हम लोग यूज करते हैं, जो कि E नोड B और MME के बीच में एग्जिस्ट करता है। और दूसरा एक और है इंटरफेस जो कि आपको यूजर पैनल से जोड़ता है आपके E नोड B को, एंड दैट इज नथिंग बट S1U, सिंपल S1U। U मतलब यूजर, U मतलब यूजर। तो S1 जो इंटरफेस है उसमें पर्टिकुलरली ये जो S1U इंटरफेस है जो कि आपके E नोड B, इवॉल्व नोड B और आपके यूजर प्लेन को कनेक्ट अप करता है। तो ये सारी के सारे आपके क्या हो गई, इंटरफेसेस हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। सारे कंपोनेंट्स के फंक्शनलिटीज मैंने आपको बता दिए बड़ी ही आसान भाषा में। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि भैया इसके अंदर 4G टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं, सर्किट स्विचिंग का नहीं। ये एक लास्ट स्टेटमेंट था जो कि मैं आपको बताना चाहता था। ये अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ गया होगा और अगर आपको लगा होगा यार मैंने वीडियो काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, मेरे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए होंगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहूंगा, मेरी मदद आप तक पहुंचाते रहूंगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।